हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने राजस्थान पीटीटी 2022 के लिए आवेदन किया है और एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि पीटीटी का रिजल्ट कब तक रिलीज़ किया जा सकता है, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, कम नंबर वाले बच्चे क्या करें। तो जो भी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पीटीटी की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे से सुनिए आप लोग और उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग जान लीजिए कि काउंसलिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिजल्ट को जो है आपका वो कब तक रिलीज़ किया जा सकता है। तो रिजल्ट जो है आपका अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब आप लोग ये जान लीजिए कि अपवर्ड मूवमेंट होता क्या है। मान लीजिए आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई और आपके नंबर भी अच्छे हैं, तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं उनको अपना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, आपने काउंसलिंग भी करवा ली और आपको कॉलेज भी मिल गया और वो कॉलेज आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? जैसे कि पहली लिस्ट जारी की गई आयोग की तरफ से, पहली लिस्ट जारी होने के बाद आपको पता चल गया कि ये कॉलेज हमको मिला है और वो कॉलेज दूर है और आप चाहते हैं कि हमको नज़दीक में कॉलेज मिल जाए, तो आप उस स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ कर सकते हैं और पास में कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो कॉलेज ना मिलकर आपको दूसरा कॉलेज आपको मिल जाएगा जब आप अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ करेंगे। कॉलेज में जो आपने फ़ीस जमा जब आप करेंगे जो फ़ीस जमा करेंगे तो उस कॉलेज में फ़ीस क्या ट्रांसफ़र होगी? जी हाँ, उस कॉलेज की फ़ीस अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा, यानी कि सबमिट करना होगा, और जब कॉलेज में आप जाएंगे फ़ीस जमा करने के लिए वहाँ पर भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो ये तो हो गया अपवर्ड मूवमेंट। मैंने आपको बता दिया कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि कम नंबर वाले बच्चे हैं वो क्या करें। तो जिन बच्चों के अगर कम नंबर आते हैं, मान लीजिए अगर आपके 280 नंबर आते हैं, अगर आपके 280 नंबर आते हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो कम नंबर वाले भी बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं और ज़्यादा नंबर वाले भी बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो जिन बच्चों के कम नंबर हैं अगर उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं होता है, दूसरी लिस्ट में भी नहीं होता, तीसरी लिस्ट में उनका नाम हो गया, ठीक है, अगर आपका तीसरी लिस्ट में नाम अगर होता है और नंबर आपके कम है, नाम आने के बाद भी आप भी अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ कर सकते हैं। 2021 अगर हम बात करें तो 2021 में पीटीटी की कुल 4 लिस्ट जारी की गई थी। 4 लिस्ट जारी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 लिस्ट, जब आपकी तीसरी लिस्ट जारी की गई तो तीसरी लिस्ट में आपका अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ करने को आपको आयोग की तरफ से दिया गया, लेकिन चौथी लिस्ट जब जारी की गई थी तो चौथी लिस्ट में अपवर्ड मूवमेंट का यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जिन बच्चों के कम नंबर आते हैं तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग करवानी होगी। अगर आपके 280 प्लस नंबर अगर आते हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि सरकारी कॉलेज कितने नंबर मिलता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सरकारी कॉलेज कितने नंबर मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर मिलेगा, इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को अपने फिल वीडियो में दे दी थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कल के वीडियोज़ के मैंने सारे कॉमेंट्स ले लिए हैं, तो क्या कॉमेंट्स आए हैं बच्चों के देख लेते हैं। पहला कॉमेंट से बच्चे का आया था कब तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो है आपका अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगला कमेंट आया था बच्चे का, सर प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप वापस मिलती है। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज में भी आपकी स्कॉलरशिप वापस मिलती है। प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो होती है लगभग 52,000 रुपये, एक वर्षीय की फ़ीस बता रहा हूँ, 52,000 रुपये होती है आपकी एक वर्ष की फ़ीस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो आप फ़ीस जमा करेंगे वो फ़ीस आपको वापस मिल जाए, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट है
पुराना भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये दो आपके पास जो प्रमाण पत्र हैं ये 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अगला जो कमेंट्स आया था एक बच्चे का, सर 4 ईयर्स आर्ट्स ABC फीमेल कितने नंबर में मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा? तो आर्ट्स अगर हम बात करें तो आर्ट्स में अगर आपके नंबर 400 से 410 के बीच में आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगला कमेंट आया था बच्चे का, सर मैं ST से हूँ, हमें कितने नंबर तक कॉलेज मिल सकता है? ST में ये मान के चलिए अगर आपके नंबर 290 से 350 के बीच में आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, और चांस एक बार ये भी है कि आपको सरकारी कॉलेज भी मिल सकता है। अगला कमेंट आया था बच्चे का, सर आर्ट्स वालों को कितने नंबर तक सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, नज़दीक मिल सकता है? मैं OBC से हूँ, OBC। तो देखिए सरकारी कॉलेज की बात करें तो सरकारी कॉलेज के लिए आपको लगभग 400 से 450 नंबर लाने होंगे, ये तो हो गया सरकारी कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको लाने होंगे 360 से 380 नंबर प्राइवेट कॉलेज के लिए, तभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और सरकारी कॉलेज आपको इतने नंबर मिलेगा, ठीक है OBC के लिए। अगला कमेंट आया था एक बच्चे का, सर राजस्थान में वियर की कौन से कॉलेज हैं? देखिए मैंने कॉलेज पर वीडियो बना दिया है, अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगला कमेंट आया था बच्चे का आशा कुमारी, सर मैंने तो पूरे प्रश्न किए हैं पर गलत भी हो सकते हैं। जी हाँ, आपने पूरे प्रश्न किए हैं, गलत भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो आपको पूरे ही प्रश्न करना चाहिए था, लेकिन आप हमें ये नहीं बता सकते कि आपने आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपने मैच नहीं किए आंसर, आपने अगर आप आंसर की मैच नहीं की है तो सबसे पहले आप अपनी आंसर की मैच कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगला कमेंट्स विकास जी का आया था, सर फीस इतनी नहीं है, 27,000 है और रिजल्ट भी जुलाई लास्ट वीक में आ जाएगा। जुलाई लास्ट वीक में रिजल्ट आना तो हमको पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक बीए के जो रिजल्ट हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, CBSE बोर्ड के भी रिजल्ट नहीं आए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आपका आ जाएगा? अगर जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आपका आज अभी जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 27,000 की आप बात करें तो 27,000 फी जो की बात कर रहे हैं, 52,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, आप पता कर सकते हैं, जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ, 52,000 रुपये 1 साल की फीस है, ना कि 27,000 रुपये, आप पता कर सकते हैं। अगला, सर फीस इतनी नहीं है, फीस 52,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, सरकारी कॉलेज में ये मान के चलिए 8,000 से 10,000 रुपये में आपका बीएड आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही कमेंट्स आए थे बच्चों के, सारे कमेंट्स का मैंने रिप्लाई दे दिया है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और आप हमसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगले दिन आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए आप लोग, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को PDD की पल पल की अपडेट दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।